क्या चीज है भाई, क्या चीज है, क्या चीज है से। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ इसको कितनी स्पीड में कहाँ ब्रेक बजेगी। देखना अभी ये ना बात करते हैं टायरों की। टायर हमको एक पड़ा हुआ है, ये देख लो टांग नहीं पहुंच रही है उसकी, इतनी हाइट की हुई है। प्रैक्टिकल आपको मैंने दिखा दिया। बंदे बोल रहे थे आपने लाइट कौन सी डलाई हुई है, तो भाई ये लाइट। हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए। तो भाई आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि गाड़ी में क्या डला है क्या नहीं। बड़े कमेंट आ रहे थे, बड़े इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि भाई क्या क्या डाला है क्या क्या नहीं, हर एक चीज बताओ। और हमारे साथ आ चुके हैं बॉडी बिल्डर सर, क्या हाल है? हाय बोल दो, थोड़ा जोश में है। हेलो हाँ। तो गाइस हम ऐसी लोकेशन पे आ गए हैं, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं क्या नहीं, क्या 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 डलाया क्या क्या नहीं। चलते हैं ऊपर और ऊपर जाके आपको सब कुछ बताते हैं गाड़ी में क्या क्या डलाया क्या क्या। कोई पूछ रहा था लाइट कौन सी डलाई है, कोई पूछ रहा टायर कितने के डलाए हैं। तो मैंने वैसे भी गाड़ी पे एक अच्छी वाली नहीं वो बनाई थी कि मतलब मैंने पूरा नहीं बताया था कि मैंने क्या क्या डलाया। तो आज मैं आपको यही चीज़ में बताऊंगा कि गाड़ी में क्या क्या डलाया क्या क्या नहीं। ब्लॉग पे बने रहना, और जो भाई नए हैं वो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और नैनो के अगली वीडियो नैनो के साथ ही आएगी भाई, टेंशन नहीं लो। नैनो भी इधर ही है, नैनो कहीं नहीं गई है, बस ये है कि नैनो का काम शाम करा के हमने ना उसको चलाया ना कुछ। गाड़ी मैंने धुलवाके की थी खड़ी, तो यार मिट्टी हो जाती है, क्या करेंगे। ये देखो बॉनेट पे ये क्या हो गया, ये साफ भी नहीं हो रहे हैं, पता नहीं कौन से दाग पड़ गए। एक चीज ये भी बताता हूँ कि गाड़ी में सामान क्या क्या पड़ा, ठीक है। वाला ये वाला ब्लॉग खतरनाक होने वाला, बने रहो। पीछे क्या क्या सामान पड़ा, 3 दिन हो गया सामान इधर ही पड़ा है। वो भी बताता हूँ सामान क्या क्या पड़ा है डलाने का, मैं तुम्हें बता दूंगा कब डलाना है कब नहीं, जब गाड़ी को पेंट चेंज होगा। अभी इतनी बातें नहीं करनी है, ऐसे बोर हो जाओगे तुम। गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी करते हैं स्टार्ट और चलते हैं जल्दी जल्दी और आपको दिखाते हैं आगे के सीन। चलो भाई, भाई साउंड चेक करो, गाड़ी की साउंड चेक करो भाई। तो गाइस अभी आपको एक चीज बताता हूँ, देखो टायर में हवा थोड़ी सी कम है, ठीक है, थोड़ी सी है कम। बड़े टायरों का ना यही होता है भाई सीन। अब देखना मोड़ पे ना इसकी आवाज आएगी, वैसे देखने में नहीं ऐसे फील हो रहा है कि हवा कम है, बट ऐसे हवा कम है इसमें, ठीक है। अब देखना मैं आपको दिखाता हूँ मोड़ पे ना इसकी आवाज आ रही है भाई, इतनी आवाज आ रही है ना, पर देखने में फील नहीं हो रहा कि हवा कम है या नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये सीन होता है बड़े टायरों में, अगर हवा कम हो ना थोड़ी सी भी तो गाड़ी का बैलेंस नहीं बनता है प्रॉपर, और ये सीन होता है। प्रैक्टिकल आपको मैंने दिखा दिया। और भाई मोड़ पे ना गाड़ी ऐसे बॉडी रोल इतना हो रहा है कि क्या ही बताऊं। चलो पहले ऊपर पहुंचते हैं। और भाई यहाँ पे क्या मौसम है यार, ठंडा, मतलब गाड़ी में एसी तो नहीं है बट हमने एसी वाला फील लिया, क्या भाई भाई इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, और ऐसे फील हो रहे कि जैसे कहीं पत्नीटॉप पहुंच गए होते हैं। बट ये उधमपुर से ना 10 किलोमीटर भी नहीं है भाई। और भाई जो व्यू और मौसम है ना यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ कोई वर्ड ही नहीं है उसके लिए। तो लो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं लोकेशन पे, अब आपको बताते हैं बारी बारी हमने गाड़ी में क्या डलाया और क्या नहीं, ठीक है। पहले बारी करते हैं बीट नंबर, सबसे पहले बात करते हैं भाई, आ जाओ भाई इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी हमारे साथ ही थे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टायरों की और ये जो डालेंगे रिम, ठीक है। टायर हमको एक पड़ा हुआ है 13,500 का, ठीक है, और 16,000 के हमको पड़े हैं 5 रिम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, बंदे बोल रहे थे आपने लाइट कौन सी डलाई हुई है, तो भाई ये लाइट जो ये वाली है ना, ये 50 पता नहीं 250 200, हाँ ठीक है ठीक है। ये आ गई एक पता नहीं दो, अब इतना नहीं पता है, 285 और इसका ना एक स्विच आता है उसका, इन खोलना, उसी का रेट ज्यादा है। ये जो ये होता है ना इसके अंदर पता नहीं क्या बोल रहे थे वो कुछ, मतलब उसी के बीच होता है, लाइट का नहीं है इतना रेट। गाड़ी में भाई सबसे मेन जो नाम तो हमारा है ही है, और सारों से जो मेन चीज है वो डलाई है ये वाली, ठीक है। ये देखो भाई लिफ्ट करने के लिए इसको डलाई है, ध्यान से चेक करो भाई। अगर मेरा कोई भाई सुफारी वाला बंदा, मतलब कोई भी डेकोर वाला देख रहा है, तो भाई वो चीज ये चीज चेक कर लो, ये डाला हुआ है मैंने इसको, ठीक है। ये चीज है लिफ्ट करने की, ये अल्मोनियम की है, ठीक है, और ये शॉकर के नीचे डाली हुई है, ठीक है, और ऊपर दो डाले पैड, उसकी वजह से हमारी गाड़ी इतनी हुई है लिफ्ट। और इसका हमको कॉस्ट आई है क्या क्या थी, सस्ता था ये, मतलब चार पाँच के साथ सब कुछ करके चार हजार रुपये लिया, ठीक है। उसके बाद ये टायर डालने के लिए कटिंग हुई है, ये बंपर यहाँ तक था, कटिंग हुई है यहाँ तक, और ये चीज ना, ये टायर अगर तुमने डालने होंगे ना, तो भाई ये कटिंग मेन है, ठीक है। कटिंग के लिए ये चेक कर लो, ये पूरा काटा हुआ है, और अंदर से इसकी चेसी भी काटी हुई है, जो बोलते हैं ना बॉडी, चेसी तो वो रही, ये बॉडी है, चेसी ये होती है भाई, ये जो अंदर है ना
लोहे वाली, इसको बोलते हैं। ये बॉडी है और बॉडी चेक कर लो भाई कहाँ का कट गया। अभी भी मतलब बड़ा टाइट डाला तो है बट एक बीच में टच होता है कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बजा हुआ ना, ये जो हिल गया। इसके लिए अगर बड़े टाइट अगर आपने डालने होंगे कटिंग तो मेन है भाई, ठीक है। तो भाई ये प्लग हमारा गुम हो गया था, ये हमने उस पुरानी सफारी में से लगाया था। तो भाई सारे बंदे बोलते हैं हमने गाड़ी का इंजन ट्यून कराया है, ये किया, इतनी पावर है क्या, कैसे है? मेरे को इंस्टाग्राम पे बड़े मैसेज आते हैं भाई, कोई बोलता है आपने इंजन ट्यून कराया, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गाड़ी 3.3 लीटर इसका इंजन है और 4x2 है भाई, ये 4x4 नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंजन में मैंने कुछ भी नहीं कराया, बस ये जो है ना, ये जो ब्रेक वाला प्रेशर वाला होता है ये मेरे भाई ने खुद किया हुआ है। ये चीज़ चेक करना, जो 3 पॉइंट वाली होंगे ना इंजन, उनमें ये चीज़ ना यहाँ पे आती है, ये मेरे को दे रही थी प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे आती है अंदर, यहाँ पे ये इसकी मेरे को आ रही थी भाई प्रॉब्लम भी आ रही थी, मतलब ऑफ रोड पे जब जा रहा था ना बार, उसकी वजह से ये बैंड हो गया है, देखो हुआ है ना बैंड। तो भाई मैंने इंजन को कोई ट्यून नहीं कराया, बस ये है कि गाड़ी का इंजन मेंटेन रखा हुआ है। मतलब जब ये मैंने गाड़ी ली ना, तो मतलब स्टार्टिंग अभी मेरे को इसको लिए हुए साल या 2 साल हुए भाई, मैंने 2 साल के अंदर मैंने अभी 50,000 भी नहीं चेहरा लगी, बट मैंने इंजन इसका 10-15 बारी चेंज हो गया, अभी इसका एक और बारी होने वाला है इंजन ऑयल। भाई देखो गाड़ी बेशक बूढ़ी है बट उसकी केयर जो मेन चीज़ होती है ना इंटरनल, अगर उस पर तुम फोकस दोगे ना तो भाई गाड़ी दमदार होती है। और भाई गाड़ी दमदार तब होती है गाड़ी को भगाओगे ना, जब तक उसका इंजन हीट नहीं होगा, खुलेगा नहीं इंजन, तो कैसे आएगी भाई उसमें पावर, वही सीन है। और बाकी गाड़ी में कुछ भी नहीं कराया, ठीक है, बस यही टायर थे। वैसे मेरा प्लान 35 का था, थोड़ा भाई सीन था 35 का नहीं 33 का, थोड़ा सीन था, उसके लिए ना कटिंग होनी पड़ेगी। अगर आपने भी भाई किसी बंदे का सफारी अगर उसने भी डलाने हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है, बस कटिंग का सीन है, बाकी कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। और भाई गाड़ी आपकी ना लिफ्ट इतनी हो जाएगी, चेक कर लो एक बारी, मतलब नॉर्मल सफारी से ना कम से कम 10 गुना ऊपर है। टायर डलाने के बाद ना मेरे को कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आई, मतलब गाड़ी बजी नहीं गई। क्या भाई बजी गई, कहता तू आग जाके देख पत्थर भाई, हम जो ट्रैक पे गए हुए थे ना एक दिन, जहाँ पे वो मैं गाड़ी वो हो रही थी बैग भाई, वो इतना गंदा ट्रैक था ना, और भाई इतने बड़े बड़े पत्थर थे ना भाई, कुछ भी नहीं बजा इसको, ठीक है, कुछ भी नहीं बजा। ये इसको शील्ड डाली हुई है रेडिएटर को कवर करने के लिए, ठीक है, बाकी मेरी गाड़ी को कोई शील्ड कोई कुछ नहीं है, पहले थी एक शील्ड वो मैंने खोल दी, बाकी तुम चेक कर लो, ये मेरी गाड़ी है, अच्छे से चेक कर लो भाई। आज मैं तुम्हें गाड़ी पूरी एक एक चीज़ चेक करूँगा। और सारे पूछते हैं भाई आपने सिलेंसर में क्या डलाया, सिलेंसर में भाई इसकी डलाई हुई है विसल, ठीक है, ये मैंने बेल्टिंग की हुई है, नहीं तो ये खुल जाती है। तो गाइस बाकी अब चेक कराता हूँ, तो मैं अंदर से इंटीरियर चेक कर लो इसका, सिंपल है भाई गाड़ी में कोई इतना वो नहीं है, एयर बैग कोई नहीं है भाई, क्या भाई गाड़ी खतरनाक होना चाहिए, बाकी कोई सीन नहीं है, बाकी ये मैटिंग वोटिंग है ये भी होनी चेंज। अब चेंज क्या क्या बोलूँ, आगे हालात बड़े बुरे हैं, बाकी अब मैं तुम्हें जो मेन चीज है ना अब दिखाते हैं वो आप। चलो भाई पीछे कर दो डोर बंद, चलो भाई पीछे चलो 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 दिखाओ ऐसी क्या चीज है भाई, क्या चीज है, बंद बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, ऐसे में दिखा, ऐसे में दिखा 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 भाई, हम दिखाएंगे, पहले आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अब दिखाओ, पहले आप कर लो, किया हो गया, अब दिखाओ। लो जी भाई देख लो गाड़ी का क्या क्या सामान है। अब भाई आप पकड़ना कैमरा, मैं इनको अच्छे से बता देता हूँ मैंने क्या क्या लिया, ठीक है भाई। ये आगे इसके साइड वाले नहीं होते कवर इंजन के साथ, मतलब इंजन, आओ मैं पकड़ रहा हूँ, ये कवर आते हैं यहाँ पे, इसकी वजह से भाई ये देखो इंजन में गंद, वो देखो इतनी वायर शायर होती हैं उसमें आ जाता है गंद, तो ये मैंने स्पेशल उसके लिए लिए हुए हैं। उसके बाद आ गई हमारी ग्रिल, सब बोल रहे थे भाई ग्रिल चेंज करो, मिल गई 2.2 वाली डाल दो भाई स्पेशल आपके लिए, ऊपर आ गया, लाइटें भी हैं, चलो देखते हैं। ये साइड वाले मैंने स्पेयर लिए हुए हैं, ऐसे मैंने तो काटे हुए हैं, इस साइड से ना ये आ गया नॉर्मल सफारी का, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, ये देखो ऐसे होता है ना, ये चेक कर लो मेरी वाली का कटिंग, देखो कटिंग कहाँ से हुई है, मतलब ये चीज काटी हुई है, अगर बड़े टाइप डलाने होंगे आपने भी कटिंग तो होती है भाई, कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है भाई, अगर बड़े शौक बड़े पाले होंगे, ठीक है। तो गाइस ये हेडलाइट ये एक्चुअली हमारी खराब हो गई थी, ये देखो दिखाई इसमें सुराख हो गया, देखो कलर भी उतर गया, वो वाले न्यू है, ये क्लिप आ गई जो साइड पे नहीं होते, ये वाले मैं दिखा देता हूँ, ये वाले
ये मेरा टूट गया था यहाँ से, ये एक्चुअली मैंने स्नो ड्राइव पे ये वाला कांड हो गया था, हमारा साइड वाला मिरर, क्योंकि वो मिरर हमारा खराब हो गया, टूट गया, हिल गया। उसके बाद बड़ी ज्यादा शी है भाई। उसके बाद आ गई हेडलाइट भाई हमारी, आगे वाली दिखाना है वीडियो यार इनको, हेड पानी पानी हो गया, ये यहाँ पे लगाएंगे जाली का कवर, जाली नहीं बम्पर का, तो बस भाई इतना ही सामान है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी की हाइट है कितनी है, ठीक से 4-8 इंच लिफ्ट है भाई यहाँ से, ठीक है, इसकी 6 फुट हाइट है, चेक कर लो घुटने तक इसकी मतलब हाइट हो गई है। एक बारी ये देखो भाई मेरी गाड़ी में ऐसे करके बैठना पड़ता है, ये देख लो फिर तुम सोच लो तुम्हारे भाई ने कितनी गाड़ी उतरने के लिए, देख लो टांग नहीं पहुंच रही है उसकी, इतनी हाइट की हुई है मतलब गाड़ी। तो भाई सारों से मेन चीज जो मैंने आपको अभी तक बताई नहीं है, ठीक है, बड़े टायर आप डला तो दोगे बट इनका ना एक मतलब नुकसान भी है, वो क्या है कि भाई ये सस्पेंशन के बोल्ट है ना भाई, ये डिले होने स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपको आपको मतलब इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर भाई सुफारी मतलब कोई बंदा है जिस बंदे का सुफारी है वो डला रहा है, तो सस्पेंशन के बोल्ट भाई डेली मतलब चेक करने पड़ते हैं, हफ्ते या 5 दिन के अंदर, मतलब डिपेंड करता है आप किस हिसाब से कहाँ चला रहे हो, ठीक है, ये बोल्ट होते हैं ये हो जाते हैं इसके डिले, उसकी वजह से गाड़ी आपके हाईवे पे बबल करने स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हर जगह मतलब गाड़ी आगे से ऐसे हिलेगी। मैं आपको बता रहा था ना कि मेरी गाड़ी का बैलेंस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो यही था उसका फॉल्ट। बाकी मैंने आपको गाड़ी के बारे में हर एक चीज़ बता दी है कि मेरी गाड़ी में क्या है क्या नहीं। ऊपर मैंने ऊपर ही बता देता हूँ, ऊपर मैंने गाड़ी को ना पेंट नहीं कराया, मैंने बुल तो बनाया बट गाड़ी को पेंट नहीं कराया, ये टेपिंग की हुई है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको ना एक चीज़ बताना भूल गया कि भाई इसकी बड़े टायरों में ब्रेक कैसी बजती है, क्या भाई अभी 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 मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मतलब नॉर्मल इसकी स्पीड है अभी 40 है ना, रुको मैं एक मिनट, एक अभी मैं आपको चेक कराता हूँ इसको कितनी स्पीड में कहाँ ब्रेक बजेगी, देखना अभी ये ना अब मारी मैंने ब्रेक, ये देखो यहाँ पे आके रुकी, कहाँ से बजी ब्रेक, ब्रेक वो पीछे से बजी है, वो पीछे से पत्थर नहीं है जहाँ पे वहाँ से ब्रेक बजी, गाड़ी यहाँ पे आके रुकी। बस यही होता है बड़े टायर डलाओगे, मैं आपको प्रैक्टिकली भी मैं आपको साथ साथ में दिखा रहा हूँ, बस ये कि यार अगर इससे बड़े हो ना टायर तो फिर भाई डिक्स पीछे भी डलानी पड़ती है भाई, नहीं तो भाई गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है, बजती नहीं है ब्रेक भाई, लोड होता है ना उसके ऊपर, रिस्क नहीं लेने का भाई। तो भाई आपके चैनल का नाम क्या है? डार्क स्प्लिट राइडर, तो भाई को जाके सारे सपोर्ट करो। तो गाइस फाइनली पहुंच गए, अभी बना रहे हैं नया हाइड्रोजन क्योंकि टायर में हवा बड़ी ज्यादा कम है, और ये हमारे भाई, भाई क्या हो गया, शर्म ही इतनी आती है यार, उधमपुर वाले में पता नहीं क्या मसला है। तो भाई चलो मिलते हैं आपको घर जाके, और एक भाई हमारा भाई आए बोल दो, भाई ये मेरे पट बंदे आपको पता है, मैं गाड़ी में ऐसे भरती है आवाज से। तो चलो मिलते फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें, मिलते हैं फिर बाद, ओके बाय बाय।